दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में एक मुकाबला न्यूजीलैंड और एक मुकाबला टीम इंडिया के नाम रहा है। दोस्तों, ऐसे में अहमदाबाद में होने वाला तीसरा मुकाबला ही इस सीरीज का फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्रिकेट का हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अहमदाबाद में इससे पहले 6 T20 मुकाबले हुए हैं और इनमें से भारत को 4 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, जिन 2 मुकाबलों में टीम इंडिया यहां हारी है उनमें उसे एक तरफा शिकस्त मिली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर अब तक खेले गए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में बल्लेबाजों का जलवा रहा है। 6 मैचों की 12 पारियों में 10 बार 150 प्लस रन बने हैं और इनमें 5 बार तो टीमों ने 180 प्लस का स्कोर पार किया है। 6 मैचों की पारियों में 10 बार 150 प्लस रन बने हैं और इनमें 5 बार तो टीमों ने 180 प्लस का स्कोर पार किया है। दोस्तों, यहां का सर्वोच्च स्कोर 224 रन रहा है और यहां जमकर चौके छक्कों की बरसात होती है। दोस्तों, ऐसे में बल्लेबाजों की इस मददगार विकेट पर 1 फरवरी को होने वाले मुकाबले में जमकर रन बरसने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मैच के दौरान अहमदाबाद का मौसम क्रिकेट खेलने के बिल्कुल अनुकूल होगा और न ज़्यादा ठंड होगी और न ज़्यादा गर्मी। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा और दोस्तों, बारिश में भी कोई आसार नहीं है। ऐसे में मैच बिना बाधा के संपन्न हो सकेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।